के बाद पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंबेडकर नगर में एक दिवसीय दौरे पर रहे। इसे लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता निकिता सरीन ने एमएलसी हरिओम पांडे से खास बातचीत की। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 2 महीने बाद अयोध्या और अंबेडकर नगर पहुंचे, कई समीक्षा बैठक की थी और इस वक्त फिलहाल बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व सांसद और प्रेजेंट एमएलसी हरिओम पांडे मौजूद हैं। सर, उपचुनाव है और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सर जो 2 सीटों का जिम्मा है, अयोध्या मिल्कीपुर और अगर बात की जाए अंबेडकर नगर कटहरी सीट की, तो क्या जायजा लिया, क्योंकि आप भी उनके साथ मौजूद रहे, किन किन विषयों पर बातचीत हुई? देखिए, वो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, मालिक हैं, हमारे महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते उनका एक नैतिक दायित्व बनता है। और हमारे यहाँ अंबेडकर नगर में एक उपचुनाव, हमारी लोकसभा अंबेडकर नगर में कटहरी विधानसभा का 277 का उपचुनाव है और उसके लिए उन्होंने कार्यकर्ताओं से भेंट करने की तारतम्य यह बैठक आज आयोजित की गई थी। और जनपद की प्रशासनिक व्यवस्था, जो क्योंकि बाढ़ क्षेत्र है हमारा, टांडा विधानसभा और आलापुर विधानसभा, 2-3 विधानसभाएँ हमारी जुड़ी हुई हैं उससे, और हर जगहों पर बाढ़ है, उसको भी देखते हुए कि यहाँ की क्या तैयारी है, क्या वो है, इन सारी चीज़ों को लेकर आज एक समीक्षा बैठक उन्होंने किया। हमारे कार्यकर्ताओं की बातें सुनी, जिन कार्यकर्ताओं की बातें जो भी थी, लगभग करीब करीब जो आम मुद्दों से जुड़ी हुई बातें थी वही उन्होंने कहा। और डीएम को, संबंधित अधिकारियों को, सबको दिशा निर्देश दिया कि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जानी है और समाज को इसमें ये न जाने पावे कि इसका असर कहीं अन्यत्र कोई दूसरी पार्टी ले जाए। इसलिए यह कार्यक्रम इतना अच्छा रहा और बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम रहा। इससे हमारे कार्यकर्ता आज मन से बड़ा प्रफुल्लित थे, विशेषकर हमारा जिला अध्यक्ष, हमारे 5-6 जो मंडल अध्यक्ष थे कटहरी विधानसभा के, उनके प्रभारी और उनके भी जो प्रभारी मंत्री आए हुए थे, जो प्रभार के दृष्टिकोण से मंत्री लगाए गए थे, स्वतंत्र देव जी, दयाशंकर दयालु जी, धर्मेंद्र जी, गिरीश सिंह जी, और ये सारे लोग प्रभावित थे कि यहाँ के लोगों ने ठीक प्रकार से जवाब दिया जो उन्होंने पूछा, और जितने भी कार्य होने चाहिए सब पर उन्होंने नज़र डाली। शिक्षा, चिकित्सा और जो मूलभूत किसानों की समस्याएं थी, बिजली की समस्या, ट्यूबवेल पानी की समस्या, इन चीज़ों पर भी प्रकाश डाला और हिदायत दिया। और विशेषकर हमारे जो मेडिकल कॉलेज सदरपुर टांडा विधानसभा में चल रहा है अम्बेडकर नगर का, उस पर उन्होंने सख्त कार्यवाही करने की कि वो कि डीएम को दिया कि आप इसको देखिए, क्योंकि वहाँ देखने पर आम जनमानस को दिक्कतें आती है, वह जंगल राज कायम था। तो उन्होंने ये कहा है कि इसको हमको 1-15 दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट भेजिए, और जो जो चीज़ें गड़बड़ थी प्रशासन की तरफ से, पुलिस व्यवस्था की तरफ से, सारी चीज़ों से संतुष्टि उन्होंने व्यक्त किया। और था भी ऐसा कि हमारे जनपद में लगभग 3-4 सालों से कोई ऐसी अप्रिय घटना या वो चीज़ें नहीं घटी कि जिससे कि हमारे जनपद के ऊपर उंगली उठती और आ जाती। तो जो भी व्यवस्थाएं थी वो अच्छी थी, और वह प्रसन्नता जारी करके फिर उन्होंने कहा कि मैं फिर आऊँगा, समीक्षा बैठक करूँगा और चुनावी दृष्टिकोण से फिर आऊँगा, और एक एक ग्राम सभा सेक्टर स्तर पर बैठक करके और इस सीट को जीतने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और निश्चित तौर पर अंधे के हाथ अगर बटेर किसी के लग गई है अयोध्या में, तो वह यह गलत फहमी है और गलत सोच रहा है, उसकी सोच गलत है। निश्चित तौर पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की वह जन्मस्थली रही है, कर्मस्थली रही है, और अवध की धरती पर राम का परचम नहीं लहराएगा तो रावण का परचम नहीं लहराने दिया जाएगा, चाहे उसके लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा। चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी ने अपने कुछ नाम घोषित कर दिए हैं, बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कैसे कुछ नाम हैं जो इस रेस में चल रहे हैं, जिनको टिकट मिल सकता है? देखिए मैडम, ऐसा है, टिकट तो ये हमारे संगठन की बात है, हमारी पार्टी की बात है,
टिकट किसी को मिले, यह मैं टिकट नहीं उसकी बात करता हूं, इस पर कोई मतभेद भी नहीं है, मन भेद हो सकता है, मतभेद नहीं है हमारा कि टिकट अगर हमारे किसी भी की उसको दिया जाएगा तो अब की बार लोगों ने ये मन बनाया है कि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी कमल निशान को योगी और मोदी जी के गले में डालने का पूरा पूरा प्रयास करके और उनको यह माला पहनाएगी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे हरिओम पांडे को, MLC हैं, अम्बेडकर नगर से वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र के साथ, मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए।